मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल मंगलवार की सुबह दिशा से अधिकारी स्थानीय सभा सदन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी रोड पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का फीता काट कर लोकार्पण किया। बता दें, नगर की जनता के लिए 1,75,00,000 की लागत से तैयार हुआ प्रेक्षागृह, अब इसका सीधा फायदा मिर्जापुर की जनता को शादी विवाह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक, अन्य कार्यक्रमों के लिए उचित दर पर प्रेक्षागृह को बुक करा सकेंगे। कम दामों में नगर की जनता नवनिर्मित प्रेक्षागृह में किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए बुक करा सकेगी। थर्ड प्रेक्षागृह में थर्ड पार्टी को देने का निर्णय लिया है। एक वातानुकूलित ऑडिटोरियम, खुला मैदान के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए 12 दिसंबर 2017 को जब मैंने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया था, तो मैं मिर्जापुर की जनता से वादा किया था कि मिर्जापुर में कोई भी प्रेक्षागृह नहीं। आज वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। मिर्जापुर में सिटी क्लब में प्रेक्षागृह बन के तैयार हुआ है। 220 कुर्सियाँ इसमें लगी हैं फिक्स, और एक हॉल बड़ा है, कमरे हैं, ये निश्चित रूप से आधुनिक मॉडल में बनाया गया है, और ये हम आज जनता को समर्पित किए हैं। इसमें जो भी कार्यक्रम लोग करेंगे उसका बाइलाज के हिसाब से शुल्क लगाया जाएगा, और निश्चित रूप से जनता को सुविधा मिले इसके लिए नगरपालिका परिषद मिर्जापुर प्रयास किया। कितने की लागत से बनाए गए लगभग 1,75,00,000 के लगभग का ये पूरा बना है। बिल्डिंग को तोड़ना, ऊपर नीचे पूरी बिल्डिंग बनाना, एसी पूरा एक सिस्टम लगा। अभी इसमें क्या कार्य अभी तक क्या बाकी रह गए हैं, क्या करना है? नहीं, काम तो सब हो गया, कोई बाकी नहीं काम। कुछ बाहर की बाउंड्री अलग, इस कैंपस के जो बाहर की बाउंड्री, वो इस सभागार के लिए जो भी काम होने थे लगभग सब पूरे।